डकी भाई के व्लॉग में भी आया हूँ। तो शख्सियत तो आती रहती हैं, हमारे सदर पाकिस्तान भी आए हैं, डकी भाई भी आए हैं, फिर दोस्त आशिक अवान साहिब आई हैं, मैंने आपके फोटोज भी देखी हैं, बिल्कुल मेरे साथ पिक्चर्स भी हैं। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। वो गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला आए थे और वो आते जाते रहते हैं। डकी भाई भी आए थे, डकी भाई के साथ काफ़ी कक्षा रही, दो से तीन दिन उनका स्टे था लग्जर सुंजा में, तो उनका स्टे भी बड़ा अच्छा रहा। उनके साथ हमने गपशप भी की, बड़ा मज़ा आया, और उन्होंने मुझे अपने ब्लॉग में भी लिया, पिक्चर्स भी ली, गपशप भी करते रहे, तो अच्छा लगा उनसे मिलके। और बाकी शख्सियात भी आती हैं, उनसे मिलके भी बड़ा अच्छा लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बड़ा अच्छे सिस्टम। और आप सलमान भट्ट से मिले, हसन अली भी आए थे उधर, तो आप उनसे मिले या नहीं? ओ बिल्कुल, ये तो आपने अच्छी बात याद करवाई मुझे, मेरे तो ज़हन में भी नहीं था। हसन अली साहब भी आते हैं, इमरान नज़ीर साहब भी, और हमारे जितने क्रिकेटर्स हैं सभी आते जाते रहते हैं वहाँ पे, वक्तन फा वक्तन सब आते जाते हैं। अभी तक कितने क्रिकेटर्स उधर आ चुके हैं और आप कितने से मिल चुके हैं? ऐसे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर्स आ चुके हैं, अब तो मतलब पहचान भी नहीं होती है वहाँ पे जब लोग आए होते हैं, क्योंकि वो एक आम पाकिस्तानी की तरह वहाँ पे आते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई लोग नहीं उनके साथ होते, बस अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, फैमिलीज़ के साथ घूमने फिरने इंजॉय करने आते हैं, तो इस तरह मतलब कुछ खास याद नहीं है, लेकिन काफ़ी क्रिकेटर्स और इस तरह की सेलिब्रिटीज़ आती रहती हैं। एंड उमर भाई, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट लग्जर सुंजा, मतलब कैसा आपका रहा? जितने भी आप टाइम आ रह चुके हैं, आपके व्यूज़ देखे, इतनी प्यारी प्यारी सीनरीज हैं, और आपको कैसा लगा, क्या फीलिंग आती है वहाँ पे? लग्जर सुंजा जो है वो बड़ी एक डिफरेंट सीनरी पे बना हुआ। मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान तो नहीं, खैर हुंजा कह लेते हैं, हुंजा अताबाद एरिया, पास में गुलमित है, शिशकिट है, उधर भी काफ़ी ज़्यादा रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, तमाम के तमाम होटल्स में लेक्सस बिल्कुल डिफरेंट है, और कमाल की सीनरी है, रूम्स बहुत अच्छे हैं, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, और इसके अलावा मतलब हर लिहाज से माशाल्लाह बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छा होटल है। और आपने पिछले दिनों से क्या क्या काम करवाया, क्या कुछ बनवाया आपने? काम तो चलते रहते हैं, मल्टीपर्पज पे काम हम करते रहते हैं, कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी कंस्ट्रक्शन होती है, कभी कुछ, तो काम तो चलते रहते हैं, मैं इस तरह आपको नहीं बता सकता। आपका लग्जस में पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? मेरा लग्जस में फर्स्ट प्रोजेक्ट तो जो था वो मैंने 7 रूम्स न्यू कंस्ट्रक्ट किया था। और पिछले दिनों आपकी हुंजा में कोई लीग भी हुई थी, क्रिकेट लीग, उसमें आप जीते थे या कोई और टीम जीती थी? बिल्कुल, आपने सही बात की है, पिछले हफ्ते जी, लास्ट वीक हमारा हुंजा में एक लीग हुई, एक मैच हुआ है क्रिकेट का, मुझे एक्चुअल पता तो नहीं है उसके बारे में, लेकिन नजरों से गुजरा है, देखा भी है, मेरी टीम भी गई थी लेग्जस की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेग्जस ने उसमें विन किया। तो उमर भाई, अब आप हमें झील के बारे में बताएं, कितनी गहरी है और उधर मतलब कितने चीजें डुबाएं तो वो ऊपर तक आ सकते हैं, मतलब उसकी डेप्थ पूछनी है। इसकी जो अताबाद लेक है ना, अताबाद झील जिसका जिक्र कर रहे हैं,
इसकी पूरी हिस्ट्री है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2010 में पहाड़ सरकने से ये झील बनी थी, और इसको 6 महीने का टाइम लगा था झील बनने में। यहाँ पे पहले गांव था, यहाँ पे पहले गांव हुआ करता था। मेरे ख्याल में उस गांव का नाम भी या आइनाबाद है या आताबाद, इन दोनों में से मे भी एक नाम था उनका, मुझे एक्चुअल याद नहीं है, माइंड में नहीं है। तो इस झील की गहराई इस टाइम जो है वो गालिबन 350 फीट। लोलो सर वो भी हाइट पे है, लेकिन अताबाद एक डिफरेंट स्टोरी लगती है, उसकी डिफरेंट हिस्ट्री है, और मेरे ख्याल में उस पूरे एरिया में वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है। अताबाद झील जो है, और इसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसमें ग्लेशियर्स आते हैं, चाइना से भी आते हैं, और जो इर्द गिर्द के ग्लेशियर्स हैं अताबाद झील के पास पास में वो भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, उमर भाई से मैं सवाल करूँगा। उमर भाई, आप बताएं कि आप कुंजा में रहते हैं, वहाँ पर एक बहुत मशहूर टूरिस्ट पॉइंट है जिसको हुसैनी ब्रिज कहते हैं, आप वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर टूरिज्म बहुत है, अब तो खैर बंद हो गया क्योंकि वहाँ पर दो तीन ऐसे वाकया हुए हैं। जी बिल्कुल, रिसेंटली हुसैनी ब्रिज में एक बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ था, जिसमें आई थिंक सो कराची की फैमिली थी, उनका एक मेंबर जो था वो स्लिप कर उसमें गिर गया था। तो वो बड़ी कोशिश की लोगों ने कि उनको बचाया जा सके, लेकिन पानी का टेम्परेचर और पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से उनको बचाना बहुत मुश्किल हो गया था और वो नहीं बच पाए, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा मसला बना है। अभी फिलहाल तो हुसैनी ब्रिज बंद है, और बंद होने से पहले मैंने उसको विजिट किया। हुसैनी ब्रिज माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जगह है, और एडवेंचर बिल्कुल एडवेंचर लवर है जो, उनके लिए बड़ी अच्छी जगह, अच्छा पॉइंट है। और हुसैनी ब्रिज को मैं क्रॉस करना हर बंदे का काम नहीं है, और रिसेंटली हुसैनी ब्रिज के साथ एक जिप लाइन भी बनाई है उधर के मुकामी लोगों ने। जी मैंने वो देखा है, तो वो भी जिप लाइन इंशाल्लाह ताला अभी नेक्स्ट सीजन में चलेगी, इस सीजन में उन्होंने बंद कर दिए किसी वजह की बिना पर, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सीजन में वो दोबारा चलेगी। अच्छा पॉइंट जी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हुसैनी ब्रिज जाना चाहते हैं जब वो खुलेगा तो आप भी जाके विजिट कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट सवाल मेरा है, और वो सवाल है कि सुने उधर अताबाद लेक में परियां भी होती हैं? जी, अगर उधर अताबाद लेक पर, काश के परियां उतरती, अफसोस के नहीं उतरती, अगर उतरती होती तो आपके मामू इस टाइम कुंवारे ना होते। आप वैसे जितने छोटे हैं ना, वो पंजाबी की मिसाल है ना, जिद्दा निका ओडा तिक्का माशाल्लाह, आप वो है जी। तो फ्रेंड, उमर भाई साहब एक और सवाल करेंगे। उमर भाई, वहाँ पर स्नोफॉल होती है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो रहता है, -19 to -20 degrees रहता है, तो आप मतलब कैसे वहाँ पे रहे हैं, किस तरीके से बताएगा? कि यहाँ पर लाहौर में अगर 1-2 degrees में है ना, तो हम कहते हैं बहुत सर्दी आ गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया, वहाँ पर तो फिर भी -20 degrees है। बिल्कुल, टेम्परेचर की अगर बात की जाए अताबाद लेक पे हुंजा में, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन होता है, ख़ासतौर पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 4 months हैं इनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, तो सर्वाइव करना पड़ता है। मेरे ख्याल में हर बंदा नहीं रह सकता, ना मैं हर बंदे को उधर जाने का मशवरा दूंगा। सर्वाइव करना पड़ता है, आपके पास जैकेट्स होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, आपके पास कैप्स होनी चाहिए, मतलब जितनी भी सर्दी से बचने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, बॉडी को जो सेफ रखें, सबके सब होने चाहिए। मैंने सुना है वहाँ पर जो बर्फ है, जब हम ऐसे नॉर्मल आइस के साथ पी रहे हो, तो उसका जो रिफ्लेक्शन आंखों में पड़ता है तो आंखें खराब होती हैं, क्या ये बात सही है? किसी हद तक आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कहा जा सकता कि आंखें हर बंदे की खराब हो जाती हैं। हर बंदे को ये मसला नहीं होता, हर इंसान की डिफरेंट जो है वो बॉडी अल्लाह पाक ने बनाई हुई है, तो उसके हिसाब से हर बंदे को मसला मसल ये नहीं आता। हाँ, लेकिन ये कि आप हाइट पे होते हैं, 8,000 feet हाइट पे होते हैं आप हुंजा में, अताबाद लेक पे, सॉरी, तो ऑब्वियसली जब आप ऊंचाई पे जाएंगे तो सूरज आपके करीब आ जाएगा। आप लाहौर हैं, आप डाउन में हैं, जब आप ऊंचाई पे 8,000 feet की बुलंदी पे चले जाएंगे, सूरज आपके करीब आ जाएगा, तो सूरज की जो शुआएं होती हैं वो कुछ जल्दी इफेक्ट करती हैं बॉडी पे,
रंग भी काला हो जाता है, आपकी स्किन बर्न भी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल इस तरह के हैं। लेकिन जो टूरिस्ट हैं, प्रोफेशनल टूरिस्ट हैं, जिनको पता है कि किस तरह से हमने टूर करना है, हमने सर्वाइव कैसे करना है, उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता और अपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स आप साथ लेके जाते हैं। और मेरा आपसे भी ये आपको भी सॉरी मशवरा है मेरा कि जब आप जाएँ वहाँ पर आप लाजमी सेफ्टी इक्विपमेंट लेके जाइएगा, गर्म कपड़े खास तौर पर लेके जाइएगा। और अगर हमारे व्यूअर में से कोई उधर जाना चाहे, क्योंकि आपकी बातें ऐसी है कि उधर हर किसी का दिल चाहता है जाने का, लाहौर से उधर हुंदा टोटल कितना खर्चा आएगा अगर हम लोकल जाएं तो? लोकल प्लेन के अलावा आप अगर वहां पर जाना चाहते हैं तो अगर आप दरमियाना होटल लेंगे, नॉर्मल खाना खाएंगे और आपकी जो ट्रांसपोर्ट है वो भी दरमियानी होगी, कोई मतलब आप बाय एयर नहीं सफ़र कर रहे या आप बुकिंग करवा के अपनी कन्वेंस नहीं ले जा रहे, तो मेरे ख्याल के मुताबिक एक बंदे का खर्चा 50 to 60,000 वो टूर का आने जाने का, मस्त है आने जाने का लाहौर से उधर तक का, कराची वगैरह का लगे जी। तो फ्रेंड्स अगर आप भी उधर जाना चाहते हैं, अत्ताबाद लेक देखना चाहते हैं, घूमता देखना चाहते हैं, क्योंकि उधर बहुत अच्छी अच्छी जगह है और उधर करीबी चाइना पाकिस्तान बॉर्डर भी है, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर जाइए, मौसम जब अच्छा हो जाए। फ्रेंड्स अभी बहुत अच्छा मौसम है जाने के लिए, आप जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। आजकल आप बहुत मसरूफ होते हैं। सो फ्रेंड्स पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।